दोस्तों, आपको तो पता ही है कि समुद्र कितना विशाल है। पृथ्वी के कुल धरातल का 2/3 भाग तो समुद्र ही है। तब आप सोचिए, इस समुद्र में राज किसका चलता होगा? क्या समुद्र में बड़े जानवरों का ही राज चलता होगा? मेरा जवाब होगा नहीं। विशाल शरीर हमेशा अच्छा नहीं होता। बड़ी ही हैरानी की बात है कि महासागरों के कुछ सबसे बड़े जीव बिल्कुल भी खतरनाक नहीं होते। ब्लू व्हेल हमारी पृथ्वी का सबसे बड़ा प्राणी है। किसी ब्लू व्हेल का वजन 33 हाथियों के बराबर होता है। लेकिन अगर इसके खाने की बात की जाए तो ये छोटे समुद्री जीवों को ही खाना पसंद करती है, जैसे कि क्रिल। क्रिल किसी ब्लू व्हेल के लिए 1 सेंटीमीटर बड़े पिज्जा के टुकड़े के समान ही है। वहीं अगर व्हेल शार्क की बात करें तो अपने नाम के अर्थ से ये बिल्कुल ही अलग है। 40 फीट लंबाई वाली ये व्हेल केवल छोटे समुद्री जीवों और छोटी मछलियों को ही खाती है। अब यहाँ पर बात ये आती है कि महासागरों के अंदर खाद्य श्रृंखला में सबसे बड़ा और खूंखार शिकारी कौन सा है? महासागरों का सबसे बड़ा परभक्षी कौन सा है जो बड़े बड़े परभक्षियों को भी अपना शिकार बना लेता हो? जब भी महासागरों के सबसे बड़े और चोटी के शिकारियों की बात आती है तो आपके दिमाग में अक्सर शार्क का ख्याल ही आता होगा, लेकिन ये बिल्कुल भी सच नहीं है। समुद्र के पानी के अंदर अगर किसी का राज चलता है तो वह है किलर व्हेल। और बड़े ही आश्चर्य की बात है कि किलर व्हेल व्हेल नहीं है बल्कि एक डॉल्फिन है। ये यकीन करना बड़ा ही मुश्किल है कि डॉल्फिन जैसा क्यूट और प्यारा सा दिखने वाला प्राणी समुद्र के अंदर राज कर कैसे सकता है। कोई बात नहीं, अगले कुछ मिनटों में हम इस बात को समझाने वाले हैं। किलर व्हेल चोटी की शिकारी है और कुदरती रूप से तो उनका कोई भी शिकारी ही नहीं है। भेड़ियों और लकड़बग्घों की तरह झुंडों में इकट्ठा होकर शिकार करती हैं। ये जानवर भी खाद्य श्रृंखला में चोटी पर है। अगर किलर व्हेल के खाने की बात करें तो इनके खाने में तो अधिकांश सैमन शामिल होती है, लेकिन अनेक बार आप इन्हें मछलियों, सील, शार्क और दूसरी व्हेल को भी खाते हुए देख सकते हैं। अगर आपको अभी भी यकीन नहीं है कि किलर व्हेल चोटी की परभक्षी है तो आप इस वीडियो में देख सकते हैं, जहां कैलिफोर्निया के तट पर किलर व्हेल ने एक ग्रेट व्हाइट शार्क पर हमला किया था। निश्चित रूप से किलर व्हेल और ग्रेट व्हाइट शार्क के मुकाबले में किलर व्हेल ही जीत जाएगी। 1997 में पहला किलर व्हेल और ग्रेट व्हाइट शार्क के बीच का मुकाबला फिल्माया गया, जहां दो ओरकाज यानी के किलर व्हेल्स ने एक ग्रेट व्हाइट शार्क को मार डाला। ओरकाज शार्क का केवल लिवर खाना ही पसंद करती हैं और उसके बाकी बचे शरीर को यूं ही छोड़ देती हैं। 2017 में भी एक ऐसी ही घटना सामने आई थी और उसी दौरान 5 ऐसी ग्रेट व्हाइट के शव मिले थे और इनके शरीर से भी इनके लिवर्स गायब थे, बाकी के शरीर को यूं ही छोड़ दिया गया था। किसी शिकार की ऐसी हालत देखकर आसानी से समझा जा सकता है कि ये काम होने हो किलर व्हेल का ही है, क्योंकि अपने शिकार के साथ ऐसी दरिंदगी तो वही कर सकती हैं। ओरकाज ऊंचे दर्जे की बुद्धिमान जानवर है और ये ग्रुप में शिकार करती हैं। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि ओरकाज को किलर व्हेल क्यों कहा जाता है? क्या इसलिए कि वे समुद्रों में हथियार लेकर तैरती रहती हैं और जो भी सामने आता है उसे मारती रहती हैं? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। चलिए इसे समझते हैं। डॉल्फिन और व्हेल एक दूसरे के काफ़ी निकट हैं। ओरका को किलर व्हेल नाम प्राचीन समुद्री नाविकों ने दिया था। इन लोगों ने देखा कि ये ओरकाज व्हेल्स की बड़ी प्रजातियों का भी शिकार करती हैं, इसलिए इन लोगों ने इनका नाम व्हेल किलर रख दिया और समय के साथ बदलकर यही किलर व्हेल बन गया, जो कि एक लैटिन नाम है। ओरका एक बुद्धिमान शिकारी है और टॉप की परभक्षी भी है, यह हम अच्छी तरह से जान गए हैं। किलर व्हेल बड़ी ही क्यूट लगती है और उनकी छवि भी एक दोस्ताना जानवर की बनी हुई है, और शायद इसका कारण हो सकता है कि फिल्मों में उन्हें ऐसा दिखाया गया है। अपने जबड़ों से ये शिकार को चीर डालती हैं। ग्रेट व्हाइट शार्क के बारे में वैसे तो हमने बहुत कुछ सुन भी रखा है और बहुत कुछ जानते भी है, चलिए इन पर भी एक नज़र डाल ही लेते हैं। ग्रेट व्हाइट शार्क पानी की 10 अरब बूंदों में खून की मात्र एक बूंद को भी सूंघ लेती है। वे 820 फीट की दूरी से भी पानी में होने वाली हलचल को पकड़ लेती है, मतलब महसूस कर सकती हैं। अपने ताकतवर सुव्यवस्थित शरीर और छुरे जैसे तेज दांतों की वजह से ग्रेट व्हाइट शार्क बहुत ही ज़्यादा खतरनाक और डरावनी हो जाती है। लेकिन आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये आमतौर पर इंसानों को नहीं खाती और इंसानों पर होने वाले ज़्यादातर हमले
इतने घातक भी नहीं होते। लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि आपके शरीर से खून न बह रहा हो, क्योंकि आपके शरीर से बहता हुआ खून आपके लिए मुसीबत बन सकता है। ग्रेट व्हाइट शार्क, सी लायन, सील्स, डॉल्फिन्स, छोटे दांतों वाली व्हेल्स, समुद्री कछुओं, समुद्री पक्षियों और यहाँ तक के मरे हुए जानवरों के सड़ते हुए मांस को भी खा जाती है। इनकी रफ्तार 43 मील यानी 69 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुँच जाती है। अपनी इसी तेज रफ्तार से ये अपने शिकार को हैरान कर देती है और अपनी एक ही वार में अपने शिकार का काम तमाम कर देती है। अपने शिकार पर हमला करते वक्त ग्रेट व्हाइट शार्क पानी से बाहर काफ़ी ऊंचाई तक उछल सकती है। चलिए अब एक दूसरे जानवर पर नज़र डालते हैं और ये है पोलर बेयर। पोलर बेयर एक जमीनी स्तनधारी है। हम लोगों के लिए तो पानी में अपनी आंखें खोलना ही मुश्किल हो जाता है, लेकिन ये जानवर अपना अधिकांश समय पानी में ही बिताता है। अविश्वसनीय रूप से पोलर बेयर अच्छे तैराक होते हैं। इन्हें समुद्री तटों से सैकड़ों मीलों की दूरी तक भी समुद्रों में देखा गया है। वैसे तो पोलर बेयर का मुख्य भोजन सील है, लेकिन ये बेलुगा व्हेल्स, वालरस और कभी कभी मछलियां भी खाते हैं। इनका शरीर बहुत बड़ा होता है और अपना पेट भरने के लिए इन्हें लगातार खाना पड़ता है, क्योंकि गर्मियों के दौरान जब बर्फ पिघल जाती है तो इनके लिए सीलों का शिकार करना मुश्किल हो जाता है। इस दौरान ये मरे हुए जानवरों को, पक्षियों के अंडों को और बेरीज आदि को भी खा लेते हैं। सील इनका पसंदीदा भोजन है। सील को सांस लेने के लिए पानी से या बर्फ से बाहर आना ही पड़ता है, और जैसे ही कोई सील सांस लेने के लिए बर्फ में बनाए हुए गड्ढे से बाहर आती है, सील के इंतजार में बैठा हुआ पोलर बेयर अपने पंजों से इस पर हमला करता है और अपने ताकतवर जबड़ों के एक ही वार से इसकी जान ले लेता है। पोलर बेयर आर्कटिक में सबसे ऊंचे दर्जे के शिकारी जानवर हैं, लेकिन जब कभी किसी वालरस से मुकाबले की बात आती है तो पोलर बेयर अक्सर पीछे हट जाना ही ठीक समझता है। पोलर बेयर के बाद दूसरा शिकारी है लेपर्ड सील। जब तक लेपर्ड सील अपना मुंह नहीं खोलती तब तक बड़ी ही क्यूट और प्यारी लगती है। इनका जबड़ा चौड़ा और मजबूत होता है। इनके जबड़े में रेजर जैसे तेज दांतों की कतारें होती हैं और अपने इन तेज दांतों की वजह से ये अपने पसंदीदा शिकार पेंगुइन्स और सील के बच्चों को आसानी से चीर डालते हैं। पेंगुइन्स को खाने की अजीब आदत की वजह से सील अंटार्कटिका की सबसे खूंखार शिकारी है। ये पेंगुइन्स को पकड़कर पानी के ऊपर और बर्फ के ऊपर पटकती रहती है जब तक कि उसके शरीर के चिथड़े नहीं उड़ जाते, और उसके बाद ये उसे खा जाती है। ये उतनी प्यारी नहीं होती जितनी दिखती है, बल्कि ये तो बड़ी ही डरावनी होती है। इसे देखते ही आप भाग जाएं तो ही बेहतर है। इस लिस्ट में एक और अंतिम जानवर है जिसका जिक्र होना बहुत ही ज़रूरी है, और ये है सी लायन। अरे जरा इनकी क्यूटनेस तो देखिए। लेकिन इस क्यूट से दिखने वाले जानवर के लिए सबसे बड़ा ख़तरा है किलर व्हेल, शार्क और इंसान। इंसान तो इनके लिए सबसे बड़ा ख़तरा है, फिर चाहे बात पानी की हो या फिर ज़मीन की हो, दोनों ही जगह पर इंसान इनकी जान का दुश्मन बना हुआ है। हालांकि हम यहां पर इनके दूसरे शिकारियों की चर्चा नहीं करेंगे। इंसानों के साथ इनकी मुठभेड़ अक्सर होती ही रहती है। शोधकर्ता बताते हैं कि ये तैरने के मामले में किसी किलर व्हेल या शार्क से कहीं तेज होती है। आप देख सकते हैं कि ये कितनी तेजी से तैर रही है। इसे देखकर तो ऐसा लगता है जैसे DC कॉमिक्स का कैरेक्टर फ्लैश ही पानी में उतर आया है। बड़े आश्चर्य की बात है कि तैरने के मामले में इतनी तेज होने के बावजूद भी ये शिकारियों का शिकार बन जाती हैं। बीमारियां, कम उम्र होने की वजह से भी ये उतनी तेज़ी से तैर नहीं पाती और इनका शिकारी तब इन्हें बड़ी आसानी से पकड़ लेता है। जब किलर व्हेल या शार्क इनके आसपास होती हैं तो इन्हें इस बात का आभास हो जाता है और अपने आप को बचाने के लिए ये उथले पानी में या फिर ज़मीन पर चली जाती है। लेकिन कभी कभी ये शिकारी जानवर यहाँ भी जंप लगाकर इन्हें पकड़ लेते हैं और इनका शिकार कर लेते हैं, और ऐसा तब ही होता है जब वे किनारे से ज़्यादा दूर न जा पाई हों। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।